Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. And here we will solve one question. और हम चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमेशा ये जो कंडीशन गिवन होती है ना, ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए का आंसर जीरो नहीं आना चाहिए. अगर जीरो आ भी तो इसका मतलब ये है कि हमने वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना होगा. ठीक है, मतलब वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा. अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन पे चेक करते हैं कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता तो यहाँ पे अप्लाई करके चेक करते हैं. देखें, दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए डेट इज ए स्क्वायर आए. ठीक है, और एड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आए, डेट इज 4x. ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, कोई ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें a आए और a स्क्वायर आए, एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए. देखें, यहाँ आके फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है. इसका मतलब ये है, अब हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर लेना चाहिए. ठीक है, जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाता है वहां पे हमेशा हम फिर जो मेथड यूज करेंगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. ठीक है, देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है ना उसको 1 बनाना है. ठीक है, उसको 1 बनाने के लिए जरा ए से डिवाइड कर दें थ्रू आउट इन इक्वेशंस को. ठीक है, ए से डिवाइड करने के बाद वैल्यू लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय ए इंटू एक्स, और साथ आप लिखेंगे माइनस ए बाय ए डेट इज 1. ठीक है, इसको भी सॉल्व करके आंसर 1 आ रहा है, 1 लिख दें. सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना उसे दूसरी साइड मूव कर दें, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 आ रही है, 1 को दूसरी साइड मूव कर देते हैं. ठीक है, अब आप क्या करें कि जो मिड टर्म है ना डेट इज 4 बाय ए, 4 बाय ए को जरा मल्टीप्लाई कर दे 1 बाय 2 से, तो सॉल्व करके जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है वो 2 बाय ए आ रही है. जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है ना उसके स्केयर को आपने दोनों साइड पे एडअप करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाय ए के होल स्केयर को इधर भी एडअप कर दें और 2 बाय ए के होल स्केयर को आप इधर भी एडअप कर दें. ठीक है, अब यहाँ पे देखें x प्लस 2 बाय ए का होल स्केयर आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 4 बाय ए स्केयर आ रहा है. ठीक है, अब x प्लस 2 बाय ए का होल स्केयर अगर इधर मौजूद है ना तो उस साइड पे अगर टर्म सिंप्लीफाई हो सकती है तो उनको सिंप्लीफाई करें तो ए स्केयर प्लस 4 बाय ए स्केयर आ रहा है. ठीक है, दोनों साइड पे हमें क्या अप्लाई करना है, स्केयर रूट अप्लाई करना है. तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड पे जरा स्केयर रूट अप्लाई करें. दोनों साइड पे स्केयर रूट अप्लाई करेंगे जब आप, तो एक साइड पे आ रहा है एक्स प्लस 2 बाय ए का होल स्केयर और दूसरी साइड पे आ रहा है ए स्केयर प्लस 4 बाय ए स्केयर. ठीक है, और इस पे स्केयर रूट अप्लाई कर दें. स्केयर रूट अप्लाई करके ना स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड पे तो x प्लस 2 बाय ए आ रहा है लेकिन दूसरी साइड पे स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लस माइनस साइन भी लगाना है और यहाँ से आपने x को आइसोलेट करने की कोशिश करनी है. इसका मतलब है माइनस 2 बाय ए को आप दूसरी साइड ले जाए. जब आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए एलसीएम लेंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस के रूट ए स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, आप ना इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4 प्लस माइनस के रूट ए स्क्वायर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इसको एक बार इस सॉल्यूशन को प्लस में लिख लें और एक बार आप इस सॉल्यूशन को माइनस में लिख दें. ठीक है, प्लस और माइनस में लिख के उन दोनों सॉल्यूशंस को एज इट इज सॉल्यूशन सेट में पुट कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन सेट दो मेथड से लिखने की कोशिश करूंगी. एक सॉल्यूशन सेट अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं ना यूं, तो ये वाला भी करेक्ट है, और अगर आप इसी सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिखते हैं सॉल्यूशन सेट इक्वल्स, मतलब जो दो मैंने अलग अलग टर्म्स लिखी है ना टॉप पे, अगर आप इन दोनों को भी आप यहाँ लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है. तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी फॉर्म में लिखें दोनों मेथड करेक्ट होंगे. मजीद एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. जैसा कि हमें गिवन हो 11x² - 34x + 3 = 0. ठीक है, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें और आपको कोई मेथड मेंशन ना हो कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए फिर देखें आपकी अपनी चॉइस होगी, टेक्निक आप जो मर्जी यूज करें. ठीक है,
अगर आपने अपनी चॉइस से टेक्निक यूज करनी है ना, तो पहले हम ऐसा करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो फैक्टराइजेशन मेथड है ना, अगर वो एप्लीकेबल हो ना तो ये इजिएस्ट वन होता है। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स गेस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 33 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आए। तो 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, ठीक है। अब पहली दो टर्म्स में से आप 11x कॉमन आ रहा है 11x कॉमन ले लें, और अगली दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन आ रहा है 1 कॉमन ले लें, ठीक है। और यहाँ पे हमें x-3 मिल रहा है, ठीक है। तो 11x-1 और x-3 की दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 11x-1 को भी जीरो के इक्वल पुट करना है और x-3 को भी जीरो के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से दो टर्म्स आपको मिल रही हैं, एक है 11x=1 जो x को आइसोलेट करके 1/11 आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरी टर्म आ रही है वो आ रही है 3, x 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने जब सोल्यूशन सेट लिखना है ना, उसमें आप 1/11 और 3 ये दोनों लिखने, ठीक है। अब आप देखें दोनों की वर्किंग को कंपेयर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन 1 को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 2 को भी। क्वेश्चन 1 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया है, आप इसकी लेंथ देख सकते हैं कितनी है, ठीक है। मतलब हमें थोड़ी वर्किंग ना ज्यादा करनी पड़ती है फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन सेकेंड जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से किया और आप देख सकते हैं कि इसकी वर्किंग शॉर्ट है। ऐसा नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सके। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, तब हमें मजबूरन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो रहा है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने कौन से मेथड को फॉलो करना है, तो फिर बेस्ट ये है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें। और फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई हो रहा हो तो ये भी इजी है कि आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो रूट्स निकाल लें और उनको यहाँ पे एज इट इज पुट करें।